बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में था, और बेसिकली जो आयंस बनते हैं पॉजिटिव, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना था, ठीक है, और पॉजिटिव आयन आपके पास आता था। टुडेज टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आप समझ रहे कि ये उसका उलट है। नो प्रॉब्लम हुसैन, डोंट वरी, आई विल इंशाल्लाह। ओके, अब इसमें क्या होगा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब इसमें दोनों बातें हैं। वेलकम सिप्तान। थैंक यू सर। ओके, रिलीज और एब्जॉर्ब, ये आपने ना इसको हाईलाइट कर ले या अंडरलाइन कर ले बुक पे, ठीक है, लाजमी। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती थी। इसमें क्या हो रही है, उसमें से निकल भी सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, किसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल आगे वही स्टेटमेंट है, टू द गैशियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। कि आप पहले क्या करेंगे, उस एटम को किसमें लेके जाएंगे, गैशियस स्टेट में, यानी कि वो सॉलिड लिक्विड में वो बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। वैसे ही जैसे आप आयनाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आप ऐसे ही करेंगे। ले जी, आपके पास एक फ्लोरीन का एटम है जो कि किस फॉर्म में है, गैशियस स्टेट में है। आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं, और जिसके बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव का, तो ये क्या बन गया, फ्लोरीन से फ्लोराइड। अब हम इसको फ्लोरीन नहीं कहेंगे क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में फ्लोरीन थी, जबकि आफ्टर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम नाउन एज फ्लोराइड आयन। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन टिल हियर, हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, वेल डन, दैट्स ग्रेट। ओके, अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है वो बता रहा है -337 किलो जूल पर मोल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस में है। क्या मतलब है इसका, एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड, ज्यादातर क्या होती है एनर्जी, व्हेन नेगेटिव एलिमेंट्स एब्जॉर्ब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन कर लीजिएगा जिसको, एनर्जी क्या होगी उसमें से निकलेगी। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो आप व्हाइट बोर्ड पे आए मेरे साथ चले ना जाइएगा। लें जी, अब आप अपनी स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि हुआ क्या। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास फ्लोरीन का एटम था, ओके, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, व्हाटएवर, सेंटर में इसके हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि जरा मजेदार हो जाए काम। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। आपको पता है कि ये जो शेल है जिसको हम बेसिकली एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और एक्चुअली ये होते ही एनर्जी लेवल है। अगर आप फ्लोरीन के बारे में जानते हो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है और इसमें आके बैठ जाता है। अब जिस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है इस जगह पे इसके साथ, क्या ख्याल है आपको कि ये इलेक्ट्रॉन उसको आसानी से आने देगा या उसकी जगह बनी हुई होगी, उसके लिए क्या करेगा? सिप्तान, यू शुड बी विद अस, डोंट वरी, इंशाल्लाह यू शुड अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके, डोंट वरी, सुने जरा इसको। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इस जगह से, इस इलेक्ट्रॉन की जगह से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या जितनी अमाउंट ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा उसके इक्वल अमाउंट में यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मोस्टली ये होगा। अब जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी, ये फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, उसकी अमाउंट यहाँ पे आपको बता रहा है -337 किलो जूल पर मोल, यूनिट्स में लिख रहा। ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी और फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड का एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था,
बाद में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं, यू कैन रेज योर हैंड अदरवाइज टाइप नो। नो ओके, वापस आते हैं। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट माय डियर, जितना यस सलमान जी, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है सर, तब उस पे उसके आखिरी शेड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तब वो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है सर जी, तो फिर वो चार्ज कैसे रहता है सर? चार्ज तो फिर दोबारा वो रिएक्शन करेगा। अच्छा और से बात सुनिएगा दोबारा से, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, वट एवर कोई भी आप एलिमेंट ले ले, हम किसी को भी देख लेते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली क्लोरीन और फ्लोरीन। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिएगा कोई भी एटम है, ठीक है, एनी इवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई भी है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात तो आपको बड़ी क्लियर है ना, शुरू से ही ऐसे है। अब क्या हुआ, जब क्लोरीन फ्लोरीन और किसी भी एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाइंड से आ गया, तो क्या ये इक्वल रहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहे? अब ये इक्वल नहीं रहे, अब क्या चीज बढ़ गई भाईजान, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अमाउंट ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई और प्रोटॉन तो उतने ही थे, इसमें वो कम हो गए, तो इसका मतलब है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आया, इवन इट कंटेन और इट्स कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट की कंप्लीटिशन के साथ आयन और उसका ताल्लुक नहीं है, वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है उसको, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी वजह से अब फ्लोरीन क्या बन गया, फ्लोराइड आयन बन गया। होप सलमान यू अंडरस्टैंड। यस सर। ओके चलें जी नेक्स्ट देखते हैं दोबारा, मसला नहीं लें जी। इन सच केसेस इज एक्सप्रेस इन नेगेटिव फिगर्स एज इन द केस ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं? ये आपके पास जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन एस्टाटीन ये सारे हैं, ये हैलोजन्स हैं। ग्रुप 7 को आप हैलोजन फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है। व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनी नेगेटिव के, यानी कि उसके ऊपर पहले ही एक नेगेटिव चार्ज या पहले ही नेगेटिव उसके ऊपर आयन था, एक इलेक्ट्रॉन पहले उसके ऊपर था, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब क्या होगी जी, ये बात समझिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। वापिस आइएगा व्हाइट बोर्ड पे, आप बैठे रहे मैं आपको ऐसे ले जाता हूँ, ये देखिए अब इसके ऊपर ये चार्ज आ चुका हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ऐड हो गया है। अभी क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गया तो ले जी आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन आए बाहर से, ओ माय गॉड, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड एन अदर इलेक्ट्रॉन इजीली। सो उसके नतीजे में क्या होगी, अब यहां से एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको, अब यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आप उसको एनर्जी देंगे तो जगह बनाएंगे ना वहां पे, क्योंकि वो रिपल्शन हो रही है वहां पे, उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए यू हैव टू इंसर्ट, यू हैव टू ऐड एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होगी फिर, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी। वापिस आते हैं बुक पे, ये देखिएगा जी, दोबारा रिपीट करने लगा हूं, व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनी नेगेटिव आयन, जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज था, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। सो एनी क्वेश्चन माई डियर, यू कैन रेज योर हैंड अदरवाइज टाइप नो क्विकली। यस सलमान सर जी, यहाँ पे ये पॉजिटिव जो साइन है वो कैसे आ जाता है? हाँ जी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जितना मैंने बताया वो क्लियर है ना, साइन के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी साइन की तरफ में नहीं मैं लेके आया आपको, अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। यस सर। ओके, एनर्जी इनटेक और एनर्जी गोइंग आउट, ओके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बस ये बात कर रहे हैं हम, अब आते हैं साइन के ऊपर बात करेंगे, ये लीजिए
जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये तो सर बड़े आराम से हो गया, आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आ जाए जी दोबारा इसके ऊपर, रेजर कहाँ गया, ऑप्स अंडू रीडू अंडू। ये देखिएगा जी, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है। फ्लोरीन को खत्म कर दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनीवन नो, टाइप इन द चैट सर। माय गॉड, आप मेरे इंस्ट्रक्शन तो सुन लिया करें मेरी जान। मैंने कहा जिसको पता है वो टाइप करेगा चैट में। चले खैर, सिक्स होते हैं जी, सबको पता लग गया। अच्छा जी, वेल डन। आउटर मोस्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। ये अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन एटम है, पहला इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजन आयन बन गया, यहां से यहां तक आने में। इस दौरान इसके ऊपर जो चार्ज आया वो नेगेटिव था, और कितनी एनर्जी निकली, -141 किलो जूल। ये अगर आप बुक पे देखें तो इतनी एनर्जी इसमें से निकली। जब आप क्या कर रहे हैं, अब ये तो था ऑक्सीजन का एटम पहला, ऑक्सीजन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम ओ नेगेटिव आयन, जिसे आप यूनि नेगेटिव आयन कह रहे हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए सेवन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन आयन जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जगह मजीद है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके बाद इसकी जो -2 आ जाती है, यानी कि ये डाई नेगेटिव हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन ये जो सर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना इसके पास, उसके लिए इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो कितनी होगी, +780 किलो जूल पर मोल। रीजन क्या है जी, बुक पे आए देखिएगा जी क्या हुआ, द एब्जॉर्ब, अच्छा यहां से, द एब्जॉर्ब एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ये अब आपको पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि एनर्जी अब उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एडिशन हो रही है एनर्जी की, उसको दोबारा से दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। पहले में एनर्जी निकली क्योंकि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन ने जगह बनाई अपनी, वहां से वो निकल गई एनर्जी उतनी अमाउंट की, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जगह की जरूरत नहीं है, आपको रिपल्शन खत्म करनी है। वो रिपल्शन खत्म करने के लिए आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटम, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, किस चीज पे डिपेंड करती है जी, सबसे पहले साइज ऑफ द एटम, नंबर वन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर टू एंड द वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में कितनी वैकेंसीज हैं, यानी कि कितनी जगह है, कितनी वैलेंसीज है कि उसकी, यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, चार और आ सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने और आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, सात है, एक और आ सकता है। जैसे ऑक्सीजन की एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिक्स थे तो उसमें दो और आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुई, नंबर वन, कि किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके 5 ईयर ओल्ड पेपर में, कि अपॉन साइज ऑफ द एटम, नंबर वन, इस पे डिपेंड करेगी। साइज जितना बड़ा होगा उससे क्या होगा कि एटम की और उसकी जो है रिपल्शन ज्यादा होगी, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके ऊपर कम है। नंबर टू, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज की मिकदार क्या है। नंबर थ्री, आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहां तक माय डियर, एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो जल्दी से जी। हरिया वेल डन, गुड। ये दो तीन ही लिख रहे हैं, बाकी भी लिख रहे हैं, माशाल्लाह 11 बच्चे हैं, सिर्फ तीन चार बच्चे कमेंट्स वो रिप्लाई करते हैं। एवरीवन प्लीज, इस तरह फिर बाकी हैंड भी नहीं रेज करते और रिप्लाई भी नहीं करते, फिर मैं क्या समझूं कि वो सुमन बुकमन होके बैठे हुए हैं। खैर नहीं जी, माशाल्लाह, वेल डन जी, वेल डन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। Relatively smaller atoms with one or
two valencies in the outermost shell show large value of electron affinity. इनकी जो electron affinity की value होती है वो बड़ी होती है. तो यहाँ तक तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बता रहा है हमें. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ये इंक्रीज करती जाती है. अब आपको पता है वो किस तरह से बढ़ता है. विद इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम लाइटर टू हैवियर एलिमेंट इन द गिवन ग्रुप. अगर आप लाइटर से हैवियर एलिमेंट्स में जाएं ग्रुप के अंदर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कंबाइंड विद द नॉलेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ये बिल्कुल उसी तरह से चल रही है जैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है. टू प्रिडिक्ट विच एटम कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर रेडली. तो ये आपको बताता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल मोस्टली क्या होगा. देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकती हैं. अब हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह उमर साहब हैं. उमर साहब को चाहिए कि वो अपना 1000 कंप्लीट करना है. उन्होंने उनके पास ऑलमोस्ट समझ लें 700 हैं. अब वो 1000 इजीली दो तीन दोस्तों से कहेंगे यार मुझे 300 दे दो या 100 दे दो या 50 करके वो अपना 1000 इजीली कंप्लीट कर लेंगे. तो वो क्या करेंगे, गेन कर लेंगे 1000 कंप्लीट करने के लिए. अच्छा अगर इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं हमजा की, हम कहते हैं हमजा ने अपना 1000 कंप्लीट करना है लेकिन उसके पास है सिर्फ 100, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़ेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट और वो इस काम में जाएगा ही नहीं. वो कहेगा छोड़ो पर ये 100 को भी मैंने क्या करना, ये भी मैं सदका से रात कर देता हूं, मैं ऐसे ही ठीक हूं. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जिन एलिमेंट्स के ऑक्टेट नियर टू कंप्लीटिशन है, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में आप कह लें चार या चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज कार्बन से ऊपर चले जाएं 4 और मोर देन 4, 5, 6, 7, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है. और जिनके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 है, 2 है या 1 है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम इस तरह के जितने भी एलिमेंट है, वो क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्टेट होगा या डुप्लेट होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे और वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे. यहां तक माय डियर, एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. गुड, चलिए देखते हैं जी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कलेक्टर. इसके ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है. खैर देखते हैं आज हम इसके बारे में क्या. यस सिप्तान प्लीज यू कैन आस्क. सर अभी आपने कहा ना मतलब जिनके पास अगर एक भी हो तो वो दे देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं देता. अच्छा वो देता नहीं है तो वो क्या करता है फिर, आपको पता वो नहीं देता. कल मैंने आपको कहा था मुझे बताइए एग्जांपल, आपने नहीं बताई. वो सर जी वो तो शेयर करता है ना, वो कभी भी देगा नहीं, वो शेयर करेगा हमेशा अपना. अच्छा, मुकम्मल कर आपके ख्याल. अच्छा ये मैं एक आपके सामने एक चीज लिखने लगा हूं, ठीक है. ये बताइएगा ये पॉसिबल है या नहीं है. ये मैंने क्या लिखा है ये बताइएगा मुझे. एच पॉजिटिव, ये कहीं देखा आपने कभी. जी बेटा यस सर देखा है. कितनी बार देखा है. बहुत बार सर एच पॉजिटिव देखा है. हाँ तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, एच पॉजिटिव क्यों होता है, आपको पता है. क्योंकि सर जी ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा सर, ये तो हमेशा शेयर करता है ना. और सर दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है तो तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो एक ही प्रोटॉन रह जाता है इसके पास, ठीक है. तो ये अगर आप एसिड्स जितने भी देखे उनमें ऐसे ही होता है. वाटर में भी अगर आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो इसी तरह से बेसिकली हो जाती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर ये दूसरे के साथ लगता है, ठीक है. तो ये दे देते हैं ज्यादातर. ये इलेक्ट्रॉन देता है तो मतलब एक इसके पास फिर बाद में प्रोटॉन रह जाता है बस. हाँ जी बस प्रोटॉन, इसीलिए तो इसको प्रोटियम बोलते हैं. लेकिन सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं ना. तो सर जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर कैसे बराबर हो गए, अब वो एटम तो नहीं रहा, ये हाइड्रोजन आयन बन गया है. वो तो बराबर होते हैं जब वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे. जी सर ठीक है सर, इजाजत है चलूं आगे. यस सर प्लीज उठे फिर बिस्मिल्लाह. वो नहीं बैठे रहना यार, मैं इधर की बात कर रहा हूँ. लें जी सुनिएगा. It has already been discussed in this chapter that elements of periodic table can be divided into metals, non-metals,
मेटालॉइड्स, बड़ी डिटेल में मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। केमिकली ऑल द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, अंडरलाइन कीजिएगा, वो एलिमेंट्स जो टेंडेंसी रखें पॉजिटिव आयन बनाने की बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड एज मेटल्स। होप वेरी इजी, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। पीरियोडिक टेबल में माय डियर वो एलिमेंट्स जो क्या रखें, ये अहलियत रखें या इस काबिल हों कि वो पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ज़ाहिर है पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, जैसे उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस एग्जांपल में नहीं आती, ठीक है, हाइड्रोजन को मत यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। वो क्या करें, अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दें और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उनको हम क्या नाम देंगे, फिर मेटल्स का नाम देगा। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर भी आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई बता सकता है क्या मतलब होता है कंडक्टर का और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? जी एनीवन? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनर्जी आगे पहुंचाती है सर। क्या होते हैं उसके पास, मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेल डन। अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें करंट पास होता है सर। वेरी गुड, तो आप में से करंट पास हो जाता है। अली हसन साहब जी, यस सर, इसका मतलब आप कंडक्टर है। यस सर, श्योर। आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी सिप्तान जी बोले बेटा। सर जी अभी आपने कहा ना मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो वो मतलब बहुत अच्छे मेटल है, तो फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं है सर? हाइड्रोजन क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी, उसके उसके बारे में होता है कि उसकी ये कंडीशन अभी, ये अभी इन्होंने बताई है। इससे पहले कौन थे हमारे पास, मेरा ख्याल है ये थे सलमान। हाँ जी, इन्होंने बताया था कि उनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो माय डियर व्हेन हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन एंड उसके पास आगे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज कर देता है, तो फिर वो मेटालिक करेक्टर नहीं रखेगा। समझ आ गई बात की? पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन का उसके पास फ्री बेड हो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो, देन यस। हमजा यू आर गोइंग टू रेज योर हैंड, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सॉरी सोडियम ऑक्साइड की जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अली हसन, यू वांट टू आस्क समथिंग माय डियर? बेटा पहले अनम्यूट कर। अच्छा जी चलें, ठीक है। अच्छा बेटा, वो कंडक्टर के लिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कंडक्टर नहीं होंगे। उसमें जो भी चीज होगी, बेशक वो आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, वो मेटल नॉन मेटल तो उस तरह से हैं, लेकिन अगर आपके वो जो पाँव हैं वो गीले नहीं होंगे और अगर आप करंट के साथ लग भी जाएंगे तो नुकसान तो झटका तो लगेगा, लेकिन उसके लिए वो कंडक्शन होनी चाहिए। जी सलमान सर जी, जो सर जी जो हाफ फिल्ड शेल होते हैं सर, जिसमें आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे आठ नहीं होते, चार होते हैं सर जी, वो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल सर? उनके लिए जो हम है ना, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के ऊपर आ जाते हैं कि वो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? इसी तरह से हम मेटलॉइड्स की एग्जांपल लेंगे तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आता जाएगा हम टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है? यस सर। अब ये यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स के लिए ये नहीं है कि वो बेसिक हैं, ये आपने वो पढ़ा होगा एसिड्स और बेसिस के बारे में, ठीक है? ये वो वाला बेस बता रहा है, विच गिव बेसिस व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। तो यहाँ पे आपके पास ये जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा वो क्या बनेगी, बेस बनेगी, ठीक है? एसिड्स का जो ऑपोजिट होता है उसको हम बेस बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है? सर ये बेसिक ऑक्साइड क्या होता है सर? आपको एसिड्स का पता है, जो एसिड्स होते हैं, यू हैव एनी आइडिया अबाउट एसिड्स?
उसका जो ऑपोजिट होता है उसको बेस बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, जो आपके पास एच हाइड्रोजन आयन देंगे उनको हम एसिड्स कहेंगे, और जो आपको ओ एच नेगेटिव आयन्स देंगे उनको हम बेस कहेंगे। तो ये देखें सोडियम आपको क्या दे रही है, अगर हम इसको नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ये आपको ओ एच नेगेटिव आयन देगी जो कि क्या बनाएगी आपके पास एक बेस बनाएगी। इंशाल्लाह जी यहाँ तक आज का है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।